हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर सीसी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से वही बात। सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, ऑब्जेक्ट देखिए होता कौन है। ठीक है, वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव नेचर का है या इनट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलो पहले करते हैं, फिर आप पहले खुद से कर लेना। ठीक है, खुद से मिला लेना। इतना एडिटोरियल हमारे साथ किए हैं तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि खुद से पहले करके जहाँ पे फंसोगे वहाँ देखो कि क्या गड़बड़ी थी। ठीक है, रिन्यूड रिक्स। अब रिक्स कैसा है, रिन्यूड नया। अब ये एडजेक्टिव होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, नया बनाया हुआ। ठीक है, पुनः नवनिर्मित क्या रिक्स। ऑन, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद हर बार बोलते हैं क्या होता है, या तो बिफोर नाउन फॉर नाउन, यहाँ पे क्या है नाउन क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। आर बी आई एंड हाउ ग्लोबल अनसर्टेंटी, कैसे कैसे ग्लोबल अनसर्टेंटी मतलब अनिश्चितता, क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। हैव कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मतलब बढ़ जाना। ठीक है, कंपाउंड होना केमिस्ट्री में ऐसे हो जाता है ना। ठीक है, बढ़ जाना। ठीक है, फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल, अब देखो फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल यहाँ पे है वर्ब, तो ये हो जाएगा नाउन, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। फ्रेश नया, वैश्विक टर्मोइल मतलब उतल फुतल हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। क्लाउड, अब क्लाउड मतलब क्लाउड क्या करता है, झक देता है, तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता कौन नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे कौन है तो बोलेंगे सर नाउन होगा क्योंकि आर्टिकल द है, तो कौन नाउन होगा ये वाला, ये एडजेक्टिव। फॉर द रेस्ट ऑफ 2013, 23 और 4, रेस्ट ऑफ मतलब जितने भी है अभी जो 23-24 में जो बचा हुआ महीना है उसके लिए। ठीक है, फॉर के बाद देखो भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, रेस्ट ऑफ इतना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पहला मैं ये पहले ये दूंगा एक, पहले देख लो कि कहाँ पे है आपका फुल स्टॉप। ठीक है, पहले फुल स्टॉप कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें कंफर्म है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, प्रीपोजिशन होना चाहिए, कंजंक्शन होता, सब्जेक्ट वर्ब, दो वर्ड तो खत्म हो गया सेंटेंस, फिर इतना क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये सारे बन के इतना बड़ा बन गया होगा, तो फिर से पहले एक बार कर लो। ठीक है, ऑन अक्टूबर, अब यहाँ पे ऑन क्यों लगा है, जब भी डेट दे दिया तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है, इन नहीं, इन अक्टूबर तब क्लियर रहता। ठीक है, द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टक टू इट्स जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। ठीक है, देखना स्टक टू मतलब उस पर अड़ जाना। ठीक है, जैसे स्टक टू, स्टक बोलते हैं ना फंस जाना, तो वहाँ पे फंस जाना, वहाँ पे अड़ जाना। ठीक, तो अड़ गई है। ठीक है, टू इट्स, अब टू के बाद देखो क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया, कैसे पता चला, क्योंकि ये है प्रीपोजिशन, ये सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद क्या हैगा नाउन, कहाँ पे है नाउन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। 6.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, वहाँ पे अड़ गई। फॉर द ईयर, इस ईयर के लिए, विथ रिक्स, अब रिक्स क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर नाउन। फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब क्या हुआ, जैसे यूक्रेन रसिया, इजराइल हमास का जो युद्ध हुआ है जियोपॉलिटिकल, अब देखो यहाँ से देखना सारे निगेटिव चल रहा है। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, बदल जाना, टूट जाना, बिखर जाना। वोलेटाइल, वोलेटाइल कब क्या हो जाएगा, कब प्लस हो जाए, कब माइनस हो जाए, फाइनेंशियल मार्केट, एंड से जुड़ा है, तो सब तरफ देखो निगेटिव चल रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, अनइवन मानसून मतलब ऑड मानसून, ऑड मानसून मतलब विषम मानसून, विषम मतलब क्या, अच्छा नहीं होना। ठीक है, इवेनली बैलेंस आउट, जो कि बैलेंस किया गया है बाय
अब बाई के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर वी फोर। होता क्या है, तो बोलेंगे सर जे रंड। अब इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लेगा, ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, ये तो ये एडजेक्ट। इस बढ़ा करके बाई प्लेइंग खेल के, बाई रीडिंग पढ़ के, तो बाई स्ट्रेंथिंग बढ़ा करके क्या, डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ा करके बैलेंस किया गया है, ठीक है। चलो इतना तक हो गया। अब दूसरा देखिए कहाँ पे है आपका, हाँ चलो अब यहाँ पे कर कीजिए, हाँ चलो करो, पहले खुद से कीजिए, हाँ चलो। देयर वाज ए बिलीफ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर ये है, देयर नहीं होता, देयर डमी सब्जेक्ट होता है, इसी के अनुसार वर्ब आया है। देयर वाज ए बिलीफ डैट की, तो की कंजंक्शन तो क्या ले बैठेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ए पीरियड ऑफ हाईलाइटेड अनसर्टेनिटी, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, ये पूरा क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं होगा, तो पीरियड के लिए क्या आ जाएगा, वाज। ए पीरियड ऑफ हाईलाइट, अब ऑफ के बाद वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो ए पीरियड ऑफ हाईलाइट किया हुआ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, वाज ईविंग, ईविंग लिख लीजिएगा कॉपी में, कम रहा है, कम ना, ये वर्ड भी करवाए हुए हैं आपको, ईविंग। बट, अब देखो बट कंजंक्शन आया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तो देख रहा है कि वाज ईविंग कम हो रहा है, कम हो रहा है, आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इधर कुछ ना कुछ कंट्राडिक्टरी बात करेगा। एज, जैसे कि सेंट्रल गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, सिग्नल्ड लास्ट फ्राइडे, जैसे कि गवर्नर ने सिग्नल किया था कब, लास्ट फ्राइडे, तो ये वी टू क्यों बना, तो यहाँ पे दिए हुए है लास्ट फ्राइडे। न्यू अनसर्टेनिटी, नया जो अनिश्चितता, हैव इमर्ज, इसीलिए तो बट लगाया है, हैव, अब इमर्ज वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म, हैव के बाद क्या आता है, या तो वी थ्री या नाउन, ठीक है। ओवर द फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट मतलब 15 दिन, 2 सप्ताह, सिंस तब से, सिंस मतलब तब से, ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ेगा। द इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट आ गया ना, जिसकी बात कर रहे थे। फिर देखो कहाँ पे है आपका कूलेस्ट ऑफ, हाँ यहाँ पे है, करो तो खुद से, खुद से कीजिए भाई, खुद से सीखो, नहीं तो बस हम सिखाते ही रह जाएंगे जिंदगी भर, हम भी बूढ़े हो जाएंगे और आप भी क्या बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, करो खुद से। द इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, अब डैट क्या हो जाएगा बताओ, कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब दिया हुआ, अब सब्जेक्टिव केस ही होगा ना, तब ना वर्ब लेगा। कन्फ्लिक्ट डैट इरप्टेड, जो शुरू हुआ, ठीक है। ए डे आफ्टर द मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू, कब हुआ, मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू के बाद, अब चूंकि ये पोजीशन किसका है, तो बोलो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, अगर ये सब्जेक्ट है भाई तो इसका वर्ब होना चाहिए, कहाँ पे है, हैज वाइडेंड, अब कन्फ्लिक्ट क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, इधर से 2 गोला उधर से 4 गोला मारते ही जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है, गलत भी करोगे अगर आप अपोज करने गए तो और ज़्यादा ये मुसीबत आ जाती है, पता नहीं कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अगर हमास गलती किया तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वो फाइनेंस, सज़ा केवल और केवल किसको मिलेगा, तो जो वहाँ के नागरिक हैं उनको, और किसी को नहीं। निर्मला सीतारमण हैज के बाद क्या है, वी थ्री या नाउन, यहाँ पे क्या है, वी थ्री। फ्लैग दिखा या झंडा दिखा है क्या, वॉट इज। अबाउट इम्प्लीकेशन, जो क्या है, बाधाएँ हैं, बाधाओं के बारे में, तो ये नाउन हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन। ऑन ग्लोबल फूड, किस पर बाधाएँ हैं, ग्लोबल फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सप्लाईज के बाधाएं हैं, ठीक है। गिवेन, फिर बताए ना गिवेन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन, ठीक है, तो गिवेन प्रीपोजिशन होता है, यह देखते हुए। इंडिया डिपेंडेंसी, अब मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर ये वाला, कल भी बताए थे, कल का भी वीडियो, वीडियो सिक्वेंशियली पीछे वाला जितना है सब देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर। नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो डिपेंडेंसी, अब ये क्या होगा नाउन, क्योंकि ई एन सी ई लगा हुआ है। ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर इम्पोर्ट, किस पर है, तो यह देखते हुए इंडिया का निर्भरता किस पर, फ्यूल पर, फर्टिलाइजर,
disruption or price hike could hurt the microeconomic framework. जो disruption है और price का जो है hike मतलब spike मतलब बढ़ोतरी, वो क्या चोट पहुँचाएगा किसको? Microeconomic framework को. Even if, यहाँ तक कि government refrain from passing on higher price to consumer, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को रोक रखा है कि ज़्यादा प्राइस हम कंज्यूमर तक क्या करें, नहीं पास करें, तब पर भी ये क्या है, प्राइस का हाइक सब चीज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बात समझे? इसीलिए लगाया है इवन इफ. ठीक है, रिफ्रेन के साथ याद रखिएगा फ्रॉम लगता है. ठीक है, फ्रॉम के साथ भी फोर. फार्मर इन द इलेक्शन सीजन, अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है, हम लोग भी एडिटोरियल बहुत सारा इलेक्शन पे कर चुके हैं. ठीक है, तो ये भी होगा. चलो अब देखिए, हाँ यहाँ पे है, चलो कर लो. चलो, आरबीआई चीफ आल्सो पॉइंटेड, अब इशारा किए हैं इस तरफ, टू राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, टू राइजिंग पॉइंटेड टू, अब क्या हो गया, जेरन ले लिया राइजिंग. अब ये राइजिंग देखो, ये यहाँ पे ना जेरन नहीं है, बढ़ रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ रहा यूएस बॉन्ड हुच, अब हुच किसके लिए, इसके लिए पुलरल है तो वर्ब क्या लिया, हुच. हीट, हीट मतलब एक होता है चोट पहुंचाना भी, या एक होता है ऊपर की ओर पहुंचना. ए 16 ईयर हाइक, अब ये है तो नाउन यहाँ पे ये है, तो ईयर्स क्यों नहीं किए, क्योंकि ये पोजीशन किसका है, एडजेक्टिव का है. ऑफ 5% दिस वीक, कब, तो इस सप्ताह. मिक्स्ड डाटा पॉइंट्स, ठीक है, एंड सिग्नल, और सिग्नल देते हैं फ्रॉम सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड, पूरे चारों पूरे विश्व से. एज जैसे कि द न्यू अननोन, इवन एज नोन अननोन सच एज फाइनेंस मार्केट, जैसे नोन जाना जाता, अननोन नहीं जाना. फाइनेंस मार्केट टर्मोइल, टर्मोइल मतलब उथल पुथल. हैव गॉट मोर प्रोनाउंस्ड, मोर प्रोनाउंस मतलब क्या, बहुत ही स्पष्ट हो जाना. ये बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म. ठीक है, हैव गॉट मोर प्रोनाउंस्ड मतलब बहुत ही स्पष्ट हो गया. एक ग्लिम्सेस ऑफ दिस एंजाइटी, अब दिस का डिस्क्रिप्शन है कि टर्मोइल है. ठीक है, वाज किसके लिए, तो ग्लिम्सेज के लिए. विजिबल, विजिबल क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है सर, BLE लगा हुआ है, और बी भर के बाद एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन V3 V4 आता है. दिस वीक, विद द शार्पेस्ट सेल ऑफ ऑन इंडियन बॉसेस सिंस, बॉसेस मतलब मार्केट, सिंस जुलाई, जुलाई से लेके अब तक की बात कर रहा है, इसीलिए क्या लगाया, सिंस लगाया. ठीक है, तो सिंस हो गया, फॉर नहीं, फॉर के ड्यूरेशन होगा. ठीक है, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम. तो सार्फेट सेल ऑफ मतलब बेच देना, अपना सारा कुछ बेच के पैसा वापस अपने पास रख लेना. ठीक है, चलिए इतना तक हो गया. अब देयर इज नो सर्टेनिटी, अब यही तो होगा सब्जेक्ट. ठीक है, इसी के लिए वर्ब आया इच, डैट रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस. RBI would still uphold its evenly balance, कि RBI फिर भी क्या बनाए रखेगा, अपहोल्ड मतलब बनाए रखना, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा. इट्स इवेनली, देखो पॉजिटिव है ना, इवेनली बैलेंस्ड आउटलुक टुवार्ड्स द रिक्स, किसकी ओर, रिक्स टू द ग्रोथ, ग्रोथ की ओर जो रिक्स है उसके ओर वो अपना क्या है, इवेनली अच्छा बैलेंस आउटलुक बनाए रखेगा, फिर भी इतने कुछ होने के बावजूद. However, इसका कोई दे नो सर्टेन मतलब सर्टेन नहीं. However, फाइनेंस मिनिस्टर while acknowledging, acknowledging मतलब एक्सेप्ट करना, while accepting, एक्सेप्ट करते हुए, डैट की तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी यही हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव कंपाउंडेड मतलब बढ़ गया है. ठीक है, सीम्स, अब सीम्स वर्ब का क्या है, तो ये सीम्स हो जाएगा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए. सीम्स सैंग्यून, सैंग्यून मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होना. ठीक है, लार्जली फॉर नाउ इन इट्स आउटलुक फॉर द इकोनॉमी, ये भी क्या है, पॉजिटिव है आउटलुक के लिए. इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट्स पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे नाउन ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, देखो मंथली एडवर्ब भी होगा एडजेक्टिव. अब कोई भी वर्ड एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो,
सब कुछ डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, ऐसे आप कुछ नहीं बता सकते क्या है। रिलीज ऑन मंडे ए शॉर्ट डेट, अब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है क्या? तो बोलेंगे नहीं सर, तो कंजंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये वी टू ना बन पाएगा ना वी थ्री बन पाएगा, तो क्या बनेगा? ए शॉर्ट डेट बतलाता है, जोड़ देता है डैट ग्रोथ, अब फिर ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ग्रोथ रिमेन ऑन ट्रैक, जो ग्रोथ है वो क्या है? ट्रैक पे है। इन्फ्लेशन इज ईजिंग, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आफ्टर ए टेम्प्रोरी सीजनल सर्ज, किसके बाद? टेम्प्रोरी मतलब ये परमानेंट नहीं है, सीजनल सीजन आ जाता है तो थोड़ी सी सर्ज याद रखिएगा, बढ़ोतरी होती है। इन जुलाई अगस्त, देखो मंथ का नाम है तो इन, डेट दे देता तो ऑन। ठीक है, कंजम्पशन डिमांड इज स्ट्रेंथिंग, अब कंजम्पशन खपत का जो मांग है वो क्या है? स्ट्रेंथिंग बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑल्सो फॉर्मिंग, और वो इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्या है? वो भी अच्छा हो रहा है, ऑल्सो लगा दिया है, तो यहाँ पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव। ऑन द इमिनेंट, इमिनेंट याद रखना एकदम करीब आने वाला, फियर ऑफ राइजिंग, ठीक है, राइजिंग बढ़ रहा क्रूड ऑयल प्राइस, इट नोटेड दैट जुलाई सितंबर क्वार्टर प्राइस वेयर स्टील वे लोअर दैन इतना मिलियन एवरेज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 24, मतलब अभी भी जो प्राइस है वो क्या है? लोअर है, किस से? 22 और 23 से। ठीक है, द वीक फॉरेन ट्रेड पिक्चर, अब जो वीक है, कमजोर है, खराब फॉरेन ट्रेड, इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया जाता है टू रिकवर, रिकवर करेगा। एंड अब ये टू, अब देखो टू रिकवर एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर एक्टिव है, तो एक्टिव है तो कोई ना कोई इसका डूअर होगा, तो क्या हो जाएगा? रिकवर करने वाला क्या है? ट्रेड पिक्चर। इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन प्रोस्पेक्ट, और इंडस्ट्री का जो जॉब क्रिएशन पॉसिबिलिटी है, प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी, आर हाई फॉर द नेक्स्ट टू क्वार्टर, और ज़्यादा है किसके लिए? दो क्वार्टर। वाइल हायर डिमांड फॉर द हाउसिंग एंड व्हीकल लोन, और ज़्यादा डिमांड है किसके लिए? रिफ्लेक्ट, अब देखो हायर डिमांड, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर बिजनेस एंड हाउसिंग, रिफ्लेक्ट अब यही वर्ब हो गया, बतलाता है बोस्टर कॉन्फिडेंस लेवल इन हाउस होल्ड, किसमें? बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस, अब बतलाता है ये ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट कौन, तो ये नाउन हो गया, तो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, बोस्टर कॉन्फिडेंस इन हाउस, ठीक है, होल्ड इट एडेड, इसने क्या किया? ऐड किया। चलो लास्ट है, इंडिया माइक्रो फंडामेंटल, यही तो मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, मे बेल अपहोल्ड, बनाए रखेगा थ्रू द लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म, अब लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगा? द लगा। ठीक है, होल्ड अप अपने आप को क्या है? कायम रखना, बनाए रखना। बट द गवर्नमेंट वुड डू वेल, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा करेगी टू ड्रिल ए लिटिल डीपर, थोड़ा ज़्यादा क्या सोचे इनटू कंजम्पशन एंड हायरिंग ट्रेड, किसमें? खपत में और हायरिंग जो ट्रेड है उसमें। द लास्ट क्वार्टर, अब ये ऑर्डिनल है तो क्या लगा? द ऑर्डिनल में क्या लगता है? ऑर्डिनल नंबर द, हैज सीन ए शार्प स्लम, स्लम मतलब डूब जाना, कम हो जाना, इन ए स्मॉल कार सेल, कंजम्पशन नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूस रिपोर्टिंग वीक रूरल डिमांड, आई टी फॉर्म स्केलिंग डाउन ग्रोथ एंड होप्स। ठीक है, सही से समझ। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर रिपोर्टिंग वीक रूरल डिमांड, रिपोर्ट कर रहा है, क्या रिपोर्ट कर रहा है? तो वीक, खराब रूरल डिमांड, अच्छा रूरल डिमांड नहीं है। आईटी फॉर्म स्केलिंग डाउन, कम कर रहा है किसको? ग्रोथ को। एंड हायरिंग होप, हायरिंग के होप्स को भी कम कर रहा है। देयर इज स्टिल मच टू बी डन, अभी भी क्या है? बहुत कुछ बाकी है, अनकाउंटेबल है के फॉर्म में है, इसीलिए इज लगाया। टू बी डन पैसिव में होना चाहिए तो पैसिव में लगाया। टू करेक्ट एक्टिव में हो जाना चाहिए तो एक्टिव है, करेक्ट। एंड अब ये देखो इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, और ये क्या है? ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये अन इवेंट बताया ना, निगेटिव, करेक्ट एंड अन इवेंट रिकवरी, हुच वुड इवेंचुअली हैम्पर, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैम्पर ए ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, जो कि इवेंचुअली मतलब अंततः, अब मेन वर्ब से पहले क्या गया? एडवर्ब, क्या कर देगा?
ये ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, रिवाइवल मतलब पुनर्जागरण, पुनर्जीवित करने को क्रिया को क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, समझ गए ये पूरा? ठीक, हमारी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे आपका सारा क्या कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और सारा नॉलेज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। ठीक है, चलो क्या है पल्पिटेशन, क्या हो जाएगा पल्पिटेशन, मतलब थोड़ा सा कांपना, थरथराना। ठीक है, पेंडेनोमियम, ठीक है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बोल दो, कोलाहल, शोरपुर, पैरेलल तो जानते ही हैं, पार्सिमोनियस, ये भी देखो, माइजरी, निगार्डली और क्या है पार्सिमोनियस, इकोनॉमिक ये भी बोल दो, पैथेटिक, पैथेटिक मतलब क्या, दयनीय, बहुत ही खराब स्थिति होना, पैथेटिक मतलब क्या, दयनीय, पॉसिटी बताए हुए हैं ना, स्कारसिटी। ठीक है, डर्थ, एक डर्थ वर्ड भी है, ठीक है, डर्थ, पेंसिव, पेंसिव मतलब क्या होता है, विचार करने वाला, चिंता करने वाला, चिंतन करने वाला, पेरिलियस, ठीक है, तो जोखिम भरा, ठीक है, पेरिलियस मतलब क्या हो जाएगा, जोखिम भरा, पेरिस, पेरिस मतलब फल सब्जी जो लाते हैं, जो खत्म हो जाने वाला चीज़ जो होता है वो तुरंत खत्म हो जाने वाला फल सब्जी, वही पेरिस, परमानेंट तो जानते हैं, परपेचुअल, नॉट एंडिंग, याद रखना ये अमर, निरंतर चलने वाला, परपेचुअल, परस्पिकैसिटी तो क्या हो जाएगा, विस्तम, डिसर्नमेंट, ठीक है, परसुएड तो क्या हो जाएगा, कन्वे, परसुएशन, ठीक है, तो क्या करना, वो परसू करना, परसुएसिव, कन्वेंसिंग, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब क्या होगा, पेसिमिस्टिक मतलब क्या, निराशावादी, फिलिस्टाइन, ठीक है, तो कला चल, फिलिस्टाइन कला संस्कृति से क्या है, नफरत करने वाला, पिटीबल बहुत ही खराब स्थिति, प्लेन समान, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल क्या हो जाएगा, तर्कीय, प्ली, पिटीशन, पोसेस्ड, तो पोसेस्ड मतलब कंट्रोल में रखने वाला, इम्पोर्टेंट तो पावरफुल, प्रेसाइज एकदम सटीक, ठीक है, प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब क्या, शोषण करने वाला, प्रीडिसेसर, ठीक है, तो पहले वाला, ठीक है, पहले वाला जो राजा, प्रीडिलेक्शन, लिंकिंग, प्रिवेंट तो हिंडर, ऑब्स्टेक याद रखना, प्रोबिटी, ऑनेस्टी और क्या है, डिसेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रोकास्टाइनेट डिले या पोस्टपोन्ड, प्रोडिजियस तो इनॉर्मस युग, ठीक है, प्रोफाउंड इसका भी मतलब है ज़्यादा, प्रोग्रेसिव उन्नति भरा, प्रोहिबिट तो रोकना, मना कर देना, प्रोमिनेंट जिसका वर्चस्व होना, ठीक है, आप प्रोपगेट प्रचार प्रसार करना, तो प्रोपेगेट मतलब प्रचार प्रसार करना, प्रोमिनेंट मतलब जिसका वर्चस्व होना, प्रोहिबिट मतलब रोकना, प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति, प्रोफाउंड मतलब ज़्यादा, प्रोडिजियस मतलब क्या हो गया, ह्यूज ज़्यादा, प्रोकास्टाइनेट तो डिले, प्रोसीड तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना, प्रोबिटी तो ऑनेस्टी और डिसेंसी, प्रिवेंट, प्रीडिलिक्शन, लिंकिंग, प्रीडिसेसर, ठीक है, डेट कम्स, प्रीडेटर, ठीक है, तो एक्सप्लॉयट अदर, दूसरे को, प्रेसाइज, पोटेंट, पोसेस, ठीक है, तो कंट्रोल में, पोसेशन से आया है, प्ली, पॉसिबल तो तर्कीय, प्लेन, सिंपल और पिटीबल मतलब दयनीय स्थिति, जितना याद हो रहा है, ठीक है, याद करते चलिए, और बहुत सारा माध्यम है जिसके थ्रू क्या है, याद करवाते चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही है जिससे हो जाए सब, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ भी तो होगा, फिलिस्टाइन, ठीक है, जिसको कलाकृति से मतलब ना, पेसिमिस्टिक मतलब क्या हो गया, कोई निराशावादी, परसुएसिव मतलब कन्वेंस करना, मनाना, परसुएशन, परसुएड, परसुएड, परस्पिकैसिटी तो विस्डम, डिस्क्रिमिनेट, परपेचुअल नेवर एंडिंग, परमानेंट, ठीक है, पेरिस खत्म हो जाने वाला जल्दी, पेरिलियस, ठीक है, तो भैंग मतलब जोखिम भरा काज, पेंसिव चिंतन करना, पॉसिटी स्कारसिटी,
पैथेंटिक पीटी बहुत खराब, परसिमोनियस निगाडली ठीक है, पैरेलल तो पेंडेमोनियम तो ठीक है, डिसऑर्डर ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।